हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक सैंडविच बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए, जो बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है और बहुत कम सामान इसमें लगता है। मैंने ये ब्रेड लिया और उसके किनारे को मैंने कट कर लिया है। इस तरह से मैंने अनियन को काट लिया है और ये कैप्सिकम को एक चीज स्लाइस। ये पास्ता पिज्जा सॉस है उसके बेस में लगाने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। ओरिगैनो है और चिली फ्लेक्स और ये बटर है। बच्चे को जो कच्चा होता है तो पसंद नहीं आता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इस पर 2 चम्मच बटर डाले हैं और ये प्याज और कैप्सिकम को मैंने भूनने के लिए रख दिया। बस 2 मिनट भूनना है। उस पर थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। ये 2 मिनट में हो जाएगा। इसको टर्न कर लेंगे हम, दोनों साइड से इसको कर लेंगे। ये देखिए हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और ये ब्रेड पे मैं पिज्जा पास्ता सॉस लगा देते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ करें। इसके बाद चीज स्लाइस इसके ऊपर और फिर ये जो सब्जी है अनियन कैप्सिकम उसको अच्छी तरीके से रख लें और इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये तीखा नहीं है, बस टेस्ट के लिए होता है। दिया मैंने दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो